हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो नए यूट्यूबर के लिए है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और अभी अभी आपने नया चैनल क्रिएट किया है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका चैनल किस तरह से ग्रो कर सकता है। दोस्तों, मैंने मेरा जो चैनल ग्रो किया है और मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में कहा है कि आपके जो इतने कम सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपका चैनल किस तरह से मोनेटाइज हो गया है, कृपया हमें भी वो तरीका बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे आपका चैनल ग्रो कर सके और आपके चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ आए और आपके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर आए। तो फ्रेंड, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो केवल यही चैनल नहीं है जिस जो कि मोनेटाइज हुआ है। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यूट्यूब पर इससे पहले कई सारे चैनल बनाए हैं, लेकिन मेरा एक भी चैनल जो है अभी तक कोई मोनेटाइज नहीं हुआ था। केवल यही चैनल है जो मोनेटाइज हुआ है। तो दोस्तों, मैंने क्या उन चैनलों पर क्या गलती की और उन चैनलों पर मैंने क्या क्या जो गलत एक्टिविटी की जिसके कारण मेरा जो चैनल था मोनेटाइज नहीं हुआ है, मैं आज आपको इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपने एक नया चैनल बनाया है, तो दोस्तों आपको चैनल अगर ग्रो नहीं कर रहा है आपका चैनल, तो आपको चिंता करने की, आपको बड़ी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि फ्रेंड, जब आप नया चैनल बनाते हैं और उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो हमें परेशानी होती है कि यार हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, सब लोगों के चैनल पर लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब नया चैनल बनाते हैं तो उसको सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि उसको क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर जब हमारी आईडी है, उसमें बहुत सारे दोस्त हमसे जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन हम उस पर जैसे पोस्ट करते हैं तो वो वीडियो बिल्कुल डेड हो जाता है। क्यों हो जाता है डेड? क्योंकि दोस्तों, अगर आपने उसको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपलोड किया, तो वो लोग जो है अनवांटेड चीज़ देख रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है उसकी, और वो क्या है, उसको केवल 1 मिनट या फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के देखने के बाद छोड़ देते हैं। इससे उस वीडियो जो है उसका वॉच टाइम बिल्कुल कम हो जाता है, और जैसे ही उसका वॉच टाइम कम होगा, तो दोस्तों आपका चैनल बिल्कुल ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, ना किसी के सर्च में आएगा। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि यूट्यूब पर लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो हर रोज अपलोड हो रहे हैं, तो ऐसे में आपका वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में कैसे आए? तो ट्रेंडिंग में या ऊपर जो उसी का वीडियो आता है जिसका अधिक वॉच टाइम होता है। तो फ्रेंड, अगर आपका वीडियो का, अगर एक वीडियो का या बहुत सारे वीडियो का वॉच टाइम सही नहीं है, तो आपका वीडियो या आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको यही सावधानी रखनी है कि आपको अपने जो वीडियोस हैं नए चैनल के, उसको कभी भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कभी भी अपलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उनको अपलोड किए तो वो वीडियो बिल्कुल डेड हो जाएंगे, बिल्कुल एक तरह से मर जाएंगे वीडियो, आपका वीडियो चलने वाले नहीं है। तो अब आपको दूसरी बात जो है वो ध्यान ये रखना है दोस्तों, आप जब कंटेंट अच्छा बना ही रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं, थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन आपका चैनल जो है बिल्कुल, आपके जो वीडियोस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन पे व्यूज नहीं आते हैं, तो उसका एक कारण ये है कि आप जो है वो बिल्कुल रेगुलर अपलोड नहीं करते हो। आपको अगर वीडियो पे यूट्यूब पे काम करना है, तो दोस्तों अगर आप एक हफ्ते में, 1 वीक में अगर कोई वीडियो बनाते हैं, तो उसको 1 वीक में ही अपलोड कीजिए, उसी टाइम पे कीजिए, क्योंकि जो इसका एल्गोरिदम है, उसका ट्रेंडिंग है यूट्यूब का, वो केवल ये देखता है कि आपने किस तरह से काम किया है, किस तरह से मेहनत की है, आपने जो समय आप अपलोड करने का लगा रहे हैं। अगर आप 1 महीने भी अगर एक वीडियो डालते हैं, तो बिल्कुल 1 महीने में डालिए। अगर आप एक हफ्ते में डालते हैं, तो एक हफ्ते में रेगुलरली डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल रोजाना एक वीडियो अपलोड कर सकें, तो बिल्कुल दोस्तों आप रोजाना का एक वीडियो अपलोड कीजिए। फ्रेंड, अगर आपने सोचा कि आज डाल दिया, इसके बाद कल डाल दिया, या फिर इसके बाद 15 दिन बाद डाल दिया, 8 दिन बाद डाल दिया, तो आपका चैनल ऐसे में बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी गलती मैंने पहले भी की है और मेरा चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं किया था और ना ही उसमें मोनेटाइज हुआ था। तो फ्रेंड, इस चैनल पर मैंने केवल यही अपनाया कि बिल्कुल रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहा, जिसके कारण यूट्यूब ने मेरे कई सारे वीडियो हैं जो कि चल रहे हैं सर्च में, उनपे लगभग हजारों में व्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हुआ है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये 2 तरीके बताए, अगर आपने ये दोनों तरीके अपना लिए, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका चैनल बिल्कुल ग्रो करेगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और साथ में आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैं आपको टिप्स देता रहूंगा YouTube चैनल के बारे में, आपको कैसा क्या करना है, क्या करना है। तो
समय समय पे मैं आपको बताता रहूंगा जिससे आपका चैनल बिल्कुल ग्रो करे और आपके वीडियोस पर भी व्यूज आते रहें। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।